तुम यहां इस वक्त? तुम यहां क्यों आई? इसे मैंने बुलाया। लेकिन क्यों? मेधा, मेधा की यहां इस वक्त क्या जरूरत है? जरूरत है ऋषभ, बिल्कुल जरूरत है। मेधा इस कंपनी की लीगल एडवाइजर रह चुकी है, इसलिए इस क्राइसिस में इसकी राय लेना भी बहुत जरूरी है। और प्लीज एक बात आप लोगों से मैं क्लियर कर दूं कि अगर आप लोग अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स और ईगो से बाहर नहीं आ सकते ना, तो ऐसा कीजिए ना कि आप लोग इस कंपनी को आग ही लगा दीजिए ताकि ये किस्सा ही खत्म हो जाए। मेधा आई एम सॉरी, तुम्हारा जिस तरह यहां स्वागत हो रहा है ना। कोई बात नहीं शीला, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। हाँ ये बात सच है कि मेरी ईगो बहुत ज्यादा बड़ी है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी और अहम चीज मेरे लिए मल्होत्रा इंडस्ट्री है, जो मेरा, मेरे पति का और पूरे मल्होत्रा परिवार का वजूद है। थैंक्स मीता। अच्छा तुम्हें क्या लगा मिस्टर नलाल की वो सजेशन ठीक है क्या, आप मल्होत्रा इंडस्ट्री को पब्लिक लिमिटेड हो जाना चाहिए? बेशक फाइनेंशियल क्राइसिस से बचने के लिए सुझाव बहुत ही अच्छा है, लेकिन मेरे पास एक और रास्ता भी है, शायद वो आप लोगों को ज्यादा अच्छा लगे। क्या है वो रास्ता? सिल्वर स्टेट। सिल्वर स्टेट, व्हाट डू यू मीन? आज सिल्वर स्टेट अंडर लिटिगेशन है। वो मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसे हम सब भूल चुके हैं, वो हम स्वेतलाना से वापस हासिल कर सकते हैं। शायद मेधा नहीं जानती कि हम लोग इस वक्त यहाँ खेतरी के मसले पर बात कर रहे हैं। लगता है बहुत ही लंबी नींद के बाद सिल्वर से डिस्कस करने के लिए मेधा यहाँ चली आई। क्यों ऋषभ, मैं बात पूरी कर लेती हूँ, तुम कमेंट बाद में दे देना। बट डोंट यू नो, हर चीज में दखल अंदाजी करना, कमेंट करना इसकी पुरानी आदत है। तुम तो जैसे बहुत वक्त पे बोलते हो ना। मैं, खैर मैं सिर्फ ये कह रही थी कि स्वेतलाना चूंकि डॉक्टर सौरव से शादी कर रही है, हमारे लिए ये केस जीतना और भी आसान हो जाएगा। अच्छा अच्छा मीरा, अगर हम ये केस जीत भी जाते हैं तो हम सिल्वर स्टेट पर एक बहुत ही बड़ा प्रेस्टीजियस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, और सिल्वर स्टेट पर बनी बिल्डिंग तो वैसे भी काफी एक्सक्लूसिव मानी जाएगी, और अंदर जो मिस्टर केशव मल्होत्रा के एंटीक्स का कलेक्शन है उसका अगर ऑक्शन किया जाए तो कुछ करोड़ रुपए तो इजीली कलेक्ट किए जा सकते हैं। आई थिंक दैट्स अ डैम गुड आइडिया।